गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैमर विद निया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम ऑल्सो गुड। सो आज है मीशो हॉल, या समर स्पेशल मीशो हॉल है। ये भी कुर्ता सेट है, सारे अंडर 500 है। सो बजट फ्रेंडली समर वियर मीशो हॉल ये होने वाला है। विदाउट एनी फर्दर डिले करते हम अपना वीडियो स्टार्ट। एक्चुअली मैं इस हॉल में एक कुर्ता सेट और इंक्लूड करने वाली थी, वो भी मतलब समर फ्रेंडली पार्टी वेयर कुर्ता सेट था। और वो वाला कुर्ता सेट मैं ऑलरेडी इंस्टा पे और शॉर्ट्स पे भी डाल चुकी हूँ। लेवेंडर कलर का कुर्ता सेट है, वो एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है। मैं बाहर जा रही थी तो मैं उसको लेकर गई थी, फिर वापस लेकर आई, मैंने पता नहीं कहाँ उसको रख दिया है। मैंने अभी पूरा 10-15 मिनट ढूंढा पूरे घर में, बट वो मुझे मिल नहीं रहा है। कहीं वो बीच में दब गया होगा तो मुझे दिख नहीं रहा। एक्चुअली सर तो वो वाले रील में बहुत ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट्स आए हैं, अगर आप चाहो तो जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में चेक कर सकते हो। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, लेवेंडर कलर का कुर्ता सेट है मीशो का, और लेकिन आप इंस्टा में चेक कर लेना, वहाँ पे कई सारे कमेंट्स है उस वाले कुर्ता सेट पे। इसके बाद कोई मीशो का हॉल बनाऊंगी तो उसमें हो सकता है इंक्लूड कर दूं, बट अभी फिलहाल वो नहीं मिल रहा है। बहुत बातें होगी, विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। आपको दिखाऊंगी ये वाइट बेस का प्रॉपर ये कॉटन कुर्ता सेट है। सो ये है गाइस हमारा फर्स्ट कुर्ता सेट। सो दिस कुर्ता सेट इज सो ब्यूटीफुल एंड प्रिटी गाइस, बहुत अच्छा, क्लासिक जो भी बोलो, मतलब बहुत प्यारा कुर्ता सेट है। ये कॉटन का कुर्ता सेट है, प्योर कॉटन मुझे लग रहा है इसका कपड़ा। तो मैं आपको कुर्ता दिखा देती हूँ। ये स्लीवलेस एक्चुअली इसका कुर्ता है, इस तरह से स्लीवलेस इसका कुर्ता है, आप देख लो। और आगे इस तरह से आपको डिजाइन दे रखी है, ग्रीन कलर में इसमें पूरे में आपको डिजाइन दे रखी है, और लेंथ भी कुर्ते की सही है। और नीचे आपको इस तरह से साइड में जो आपको नेक में डिज़ाइन दे रखी है, उसी तरह से आपको कुर्ते की जो स्लिट होती है ना, उसमें भी आपको इस तरह से डिज़ाइन दे रखी है ये। और जैसा नेक में है वैसा ही स्लिट में, और वैसा ही सबसे नीचे बॉर्डर में है। तो बहुत ही अच्छी डिजाइन, पहनने के बाद ये बहुत अच्छा क्लासी सा कुर्ता सेट लगता है। जैसे पर्स में हम कॉटन के कुर्ता सेट्स पहनते हैं तो कैसा क्लासी सा अच्छा सा लुक देता है ना, तो ये वैसा ही लुक दे रहा है कुर्ता सेट, बहुत प्यारा है। तो इसका बॉटम है गाइज इस तरह का, नॉर्मल फुल्ली इलास्टिकेटेड इसका बॉटम है इस तरह से, और नॉर्मल इसका पैंट है, प्लाजो नहीं है इसमें, आपको पैंट दे रखा है। सेम जैसा कुर्ता है वैसे ही पैंट है, सेम फैब्रिक है, सेम डिजाइन है, सब कुछ सेम है। और प्राइस के अकॉर्डिंग इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, पहनने पे लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा कुर्ता सेट है। ये कुर्ते में गाइस बस एक प्रॉब्लम मुझे लगी है कि ये जो स्लीव्स है ना, तो स्लीव्स का जो लुक है ना, वो यहाँ से ना ये चीज पूरा कवर कर ले रहा है, ये जो शोल्डर्स है शोल्डर्स को पूरा कवर कर ले रहा है, जबकि यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर्वी स्टाइल का रहता है, लेकिन इसका ना एकदम सीधा है। ऑब्वियसली इतना सस्ता कुर्ता सेट है तो कुछ ना कुछ तो आपको झोल में ले गई, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। हाँ मतलब सब कुछ इतना सुंदर लुक दे रहा है, बस स्लीव्स की वजह से मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, नो डाउट बहुत सुंदर है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, डिजाइन भी बहुत अच्छी है। आप टेलर के पास जाके उसमें अपने हिसाब से उसको ऑल्टरेशन आप करा सकते हो। तो आपको साइड में ट्राई ऑन दिख रहा होगा तो जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने गाइस साइज एम में लिया है, और इसका प्राइस अभी फिलहाल है 404 रुपए, और मैंने शायद 413 रुपए में लिया था, तो अभी 404 इसका प्राइस है, जो कि बहुत सस्ता है। इतने में अगर ऐसा कुर्ता सेट दे रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है, ग्रेट डील है, आप फटाक से इसको ले लो। क्योंकि दिखाती हूँ नेक्स्ट कुर्ता सेट, पहली बार मैंने कुर्ता सेट दुपट्टा इतना सस्ता ट्राई किया है मीशो से। एक्चुअली आज मैंने जितने भी कुर्ता सेट दिखाया ना, पहली बार मैंने इतने सस्ते कुर्ता सेट मीशो से ट्राई किया। मैंने इतने सस्ते कभी ट्राई नहीं किया, मैं हमेशा 600 के रेंज में मंगाती थी, क्योंकि जब तक क्वालिटी अच्छी ना हो तब तक पहनने में मजा नहीं आता कपड़े। अब थोड़े से आप मीशो में अगर 600 रुपए का, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म में वही चीज 900 रुपए की, तो 800-900 की, तो वही मुझे लगा कि मंगा के देखती हूँ इस बार। काफ़ी लोग सस्ते सस्ते चीज़ें खरीदते हैं मीशो से, तो मैंने सोचा मैं भी मंगा के देखती हूँ इस बार सस्ता। तो पहले वाला तो बहुत अच्छा आया, नो डाउट वो बहुत अच्छा, लेकिन ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सेकंड कुर्ता सेट मीशो से, तो इसमें तो दुपट्टा भी है, तो वही मुझे लगा 450 में, 500 से अंडर का ही है, क्या ही देंगे ये लोग, मतलब बहुत सस्ता ना, इतने में क्या ही दे देंगे। तो वही मैंने मंगा के देखा कि कैसा रहता है कुर्ता सेट, पहले तो आप देख लो फिर बाद में मैं बताऊंगी। तो ये है इसका कुर्ता गाइस, इसका कलर बहुत प्यारा है, वाइट कलर है, और
और क्या बोलते हैं फ्लावर रोज आपको पूरे में ही आपको रोज फ्लावर प्रिंट फ्लोरल प्रिंट रोज आपको दे रखा है पूरे ही कुर्ते में इस तरह से। और जो उसका फैब्रिक है ना बहुत ज्यादा कड़क टाइप का है, मतलब इट्स नॉट आई थिंक प्योर कॉटन, जो पहले वाला दिखाया था वो तो कॉटन था बट ये आई थिंक कॉटन नहीं है, पता नहीं कॉटन जैसा कुछ है, थिक सा फैब्रिक है कॉटन जैसा ही दिख रहा है बट आई एम नॉट श्योर कि। और ये सी थ्रू है गाइस, तो अगर आप इसको लेना चाहते हो उसके अंदर आपको इनर डालनी पड़ेगी, ये है सी थ्रू। और इसका गला आप देख लो इस तरह से, पर्ल टाइप के बटन्स आपको इसमें मिल जाएंगे, बटन है तो उसकी भी आप देख लो फिनिशिंग सही नहीं है, टेढ़े लगा रखे हैं बटन, और इतना सस्ता दे रहे हैं तो मुझे लगा ये ऐसे ही देंगे उल्टा सीधा कुछ तो ये इस तरह का पैटर्न दे रखा है। तो जैसे ये पैटर्न है वैसे इसकी जो बॉटम है वो अभी दिखाती हूँ आप, बॉटम है वो ऐसा है, ऐसे ही आपको स्लीव्स में हल्का सा कपड़ा इन लोगों ने लगा रखा है, फुल्ली इलास्टिकेटेड बॉटम है, और बॉटम का कपड़ा इनफैक्ट कुर्ते से मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, धुलने के बाद क्या होगा आई एम नॉट श्योर। सो ये भी एक पैंट है इस तरह का जिगजैग पैटर्न में आपको पैंट दे रखा है। ये गाइस इसका दुपट्टा, सो ये दुपट्टा नॉर्मल से शिफॉन कपड़े में दुपट्टा आपको मिलेगा, और बॉर्डर इसका जैसा पैंट का कपड़ा है, पैंट का कपड़ा ही बॉर्डर में लगा रखा है। अब मैं बताती हूँ गाइस इसमें डिफेक्ट क्या है, इसको लेना मत, पहली बात मैं बता रही हूँ इसको लेना मत। इसको क्यों नहीं लेना, क्योंकि मैं बताती हूँ देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, अगर आपकी हाइट कम है तो आप ले लेना, अगर आपकी हाइट 5 फुट से ज्यादा है तो आप मत लेना, 5 फुट तक है तब चल जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसका जो कुर्ता है ना मेरे तो बहुत ज्यादा छोटा आ रहा, अभी आजकल इतने छोटे कुर्तों का तो ट्रेंड है नहीं, इतना सस्ता दे रहे हैं तो मुझे लगा यही सब होगा इसमें। ये मैंने आपको दिखाई नेक की डिजाइन में ये डिफेक्ट है, टेढ़े बटन लगा रखे हैं, मतलब प्राइस है उस हिसाब से ही इन लोगों ने क्वालिटी दे रखी है, मुझे नहीं अच्छी लगी क्वालिटी, दुपट्टे की भी क्वालिटी इनफैक्ट ओके ओके, दुपट्टा तो क्या ठीक है उतना खराब नहीं है, बट दुपट्टे का लेंथ बहुत छोटी लेंथ है दुपट्टे की, बहुत ज्यादा छोटी, ऐसा लग रहा था जब मैंने पहले, मैं आपको ट्राई ऑन वैसे लगा दूंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी अपने से छोटे का बहुत बहुत छोटे से बच्चे का कपड़ा किसी का पहन लिया, और मुझे ऐसा फील हो रहा था। अगर आपके घर में बच्ची है कोई 12-13 साल की 14-15 साल की है ना, उसको मतलब स्कूल के लिए या किसी चीज के लिए किसी फंक्शन के लिए कोई कॉटन का कुर्ता सेट चाहिए तो आप ये ले लेना, या आपकी हाइट कम है 5 फुट तक अगर आपकी हाइट है तो आप ले लेना, क्योंकि बच्चों के ऊपर ये सही लगेगा। दुपट्टा तो ठीक है, इतना सस्ता दिया लेकिन अच्छा भी है, मतलब ऑब्वियसली मीशो में सस्ती चीजें भी अच्छी है, इससे पहले जो कुर्ता सेट दिखा वो तो लिटरली बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगा कि ये भी अच्छा ही आया है पैसे के हिसाब से, मतलब इसमें तो दुपट्टा भी आया, बट जब मैंने पहन के देखा मतलब एकदम शॉक ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सामने से देखने में आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन आपको ट्रायल दिख रहा होगा पहनने पे अजीब से ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे का कुर्ता सेट मैंने पहन लिया है। देख लेना मंगा के आपको कैसा लग रहा है, इसमें रिव्यूज भी बहुत सारे थे बहुत। सो ये है गाइस हमारा थर्ड कुर्ता सेट, और ये भी बहुत प्यारा एकदम समर फ्रेंडली कुर्ता सेट है, और ये जैसे ही आया मैंने उसको मतलब आया मैंने टच किया तो मुझे लगा यार इतना सस्ता कुर्ता सेट है और इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब लिटरली मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड थी कि कभी कभी मीशो में जो जैसे मैं आपको लेवेंडर वाला कुर्ता सेट बता रही हूँ ना वैसा, और इसको मुझे टच करके लगा कि मतलब इतना सस्ता कुर्ता सेट इतने अच्छे कपड़े में कैसे हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली आपको नहीं मिलता है ना कहीं। है इसका कुर्ता गाइस, इसका प्रिंट ही आप देख लो कितना सुंदर प्रिंट है, और नेक में योक पार्ट में आपको इस तरह से व्हाइट कलर का पैटर्न दे रखा है, कितना प्यारा लग रहा है, आई थिंक गोटा पट्टी भी लगा है, गोटा पट्टी भी लगा है, तो नेक में इसका इस तरह से पैटर्न है, स्लीव्स में भी इनफैक्ट डिजाइन दे रखी है इस तरह से, कितनी प्यारी लग रही है, इसे आपको प्लेट्स बना के दे रखी है, भी आपको स्लिट में आपको बॉर्डर दे रखा है इस तरह से, मैं वैसे साइड में मैं इसका वो लगा दूंगी ट्रायल तो आपको समझ आ ही जाएगा। और इसका जैसे मैंने आपको बताया इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, एकदम सॉफ्ट सा है, जो पहले वाला दिखाया था वो अच्छा वाला कॉटन था, दूसरे वाले की तो बात ही नहीं करते हैं, और जो ये वाला है ना तो ये वाला ना ये कॉटन मिक्स फैब्रिक है बट बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट सा, एकदम बहुत अच्छा फैब्रिक है, पहनने के बाद भी कंफर्टेबल लगता है, बहुत ही बटरी सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, इसका कलर भी एक्चुअली मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यारा लगा, एक वो बॉटम दिखा देती हूँ, इसका मतलब सब कुछ अच्छा, इसका बॉटम भी बहुत अच्छा है, मतलब बॉटम ये इसका प्लाजो टाइप का है, मतलब आजकल पैंट ज्यादा आने लगे हैं तो प्लाजो मिलता है तो अच्छा लगता है, तो ये प्लाजो टाइप का थोड़ा ब्रॉड बॉटम है, और इसमें भी आपको इस तरह से वो बॉर्डर दे रखी है, नेक में डिजाइन थी उस तरह का पूरा आपको बॉटम दे रखा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये तो मेरी तरफ से 10/10 है, अगर इन तीनों पीस में से अगर आपको कोई आग बंद करके लेना है तो आप ये ले लो, फर्स्ट वाला भी आप ले सकते हो, नायरा कट कुर्ता सेट है, और इसको मैंने एक्चुअली पर्पल टाइप के कलर में मंगाया था, पर्पल टाइप के कलर में आप देख लो, और
ये थोड़ा अलग सा, थोड़ा सा अलग कलर है, बट जो भी है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसमें 3 कलर्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो सा भी कलर चाहिए आप ले सकते हो। एक मुझे ये 440 का मिला था, 440 रुपीज़ का मुझे मिला था, और अभी ये 443 रुपीज़ का, मतलब 3 रुपए ही बढ़े हैं। और अभी इसमें पीसेस अवेलेबल है, तो आप आराम से बाय कर सकते हो। मतलब तो ये था गाइस हमारा आज का छोटा सा मीशो हॉल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, बाय, टेक केयर।